हेलो बच्चों, ना अब हम करते हैं ब्रेन स्टोरमिंग क्वेश्चंस जो हमने डीपीपी नंबर 3 में दे रखे हैं। इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू -3/2। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना हमें डायरेक्ट, हमने क्लास नोट्स में भी बताया था और याद करोगे हमने कल के टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐसा ही क्वेश्चन भेजा था। सेम वही देखो, यही क्वेश्चन है ये। जैसे देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा, एकदम याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, इसीलिए हमने इसको ब्रेन स्टोरमिंग क्वेश्चन बोला है। ठीक है, नाउ कॉस गामा माइनस अल्फा ये दे रखा है, हमने -3/2 दिया था राइट साइड में, 3 उधर रहने दिया यानी इधर कर दिया तो +3 हो गया और यहाँ हो गया 2 times, यही लिखा हुआ है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना पूरा यूनिक प्रोसीजर चलता है। ठीक है ना, 2 times देखो, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो यहाँ एंगल अल्फा बीटा है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर भी एक 3 का कुछ सोचना है। देखो हमारे पास क्या है ना, 2a into b आ चुका है, 2b into c आ चुका है, 2c into a जैसा लग रहा है ना, यानी अब हमें a b c नहीं है, तो हम 3 को क्या लिख लेते हैं, 1+1+1 लिख सकते हैं ना बच्चों। क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास यहाँ 3 एंगल हैं, एक अल्फा के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक बीटा के लिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और एक गामा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 1 का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये इतना यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा हम जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ये डायरेक्ट नहीं सोच सकता कि इस तरीके से हम क्यों लिखें, क्योंकि इसका ना प्रोसीजर जैसे हमने कुछ क्वेश्चन में बताया था क्लास में भी, वैसा ही यही है ये। हमने 1 1 1 3 बार लिख दिया प्लस, अब 2 times कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा, सेम वही हमने साइन में लिखा। ठीक है, प्लस 2 times साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। इज इक्वल टू यहाँ राइट हैंड साइड 0 है। अब देखो बच्चों ये सीधे, अब क्या हो गया, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 cos alpha कॉस बीटा एंड सो ऑन, तो ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब सेम वही हम साइन में देख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 sin alpha साइन बीटा एंड सो ऑन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 times ए बी बी सी सी ए। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये किसी नंबर का ना परफेक्ट स्क्वायर है,
और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन समेशन जीरो दिया हुआ है, दैट इज दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने क्लास में करवाया था, ठीक है। यानी ये यदि हमारे पास है, अब देखो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जैसे हमारे पास जो और अब क्वेश्चन है तो उसके लिए प्रोसीजर पता है बच्चों, ये अब यानी क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसी से हमने वो रिलेशन निकाल लिया। अब देखो ये क्वेश्चन हमने बता रखा है, इसके लिए हम दोबारा इसमें क्या कर सकते हैं कि मान लिया जाए, हम वापस अब चलते हैं, ठीक है। चूँकि ऑलरेडी हमने लिख रखा है इसलिए दूसरे फाइल में हम इंटर कर गए। देखो बच्चों ये हमने पिछले क्लास में कुछ कुछ किया था क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, और ये है हाउ टू प्रोसीड। तो जस्ट टेक थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अपना मन से हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि तीन एंगल है प्रीवियस क्वेश्चन में, अल्फा बीटा गामा है। तो ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ठीक है। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही एंगल यानी एक ही आर्गुमेंट होता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा क्योंकि तीन एंगल हैं। अब देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आ चुका है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी जीरो है ना, इसका मतलब हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी जीरो आ गया, देखिए, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी भी जीरो आ गया, यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया ना। अब क्योंकि हमें एंगल डबल लेना है, ट्रिपल लेना है ना, एज वी हैव टू फाइंड टर्म्स हैविंग डबल और ट्रिपल एंगल, सो यूजिंग डी मॉर्गस थ्योरम हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर तो क्या आएगा, कॉस टू ए प्लस आई साइन टू ए, ठीक है। सो वी हैव टू डू स्क्वायर और क्यूब ऑफ एक्सियम्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने प्रोसीजर भी लिख रखा है ना। हमें और क्या चाहिए, देखिए हमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ चुका है, चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसके लिए हमें ए बी बी सी सी ए भी चाहिए, यानी वन बाय ए, वन बाय ए को ए दिया हुआ था कॉस ए प्लस आई साइन ए, वन बाय ए हो गया पावर में माइनस वन, पावर में माइनस वन सीधे एंगल में गिर गया, ठीक है, दी मॉर्गस थ्योरम। तो कॉस ए माइनस आई साइन ए, वन बाय बी और वन बाय सी, इसको भी ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी जीरो था, देखो ये, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी भी जीरो है, तो इसका मतलब वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी जीरो आ गया। एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी जीरो आ गया, यानी यहाँ से हमारा एक रिलेशन तो आ गया ना, यहाँ से हमें जो उस क्वेश्चन में लिखना था ए बी, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रियल पार्ट, ए बी का मतलब ई टू द पावर आई ए प्लस बी हो जाएगा ना, एंगल प्लस ई टू द पावर आई बी प्लस सी हो जाएगा और ई टू द पावर आई सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको जीरो कर लोगे तो रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, एक पार्ट आ गया, देखोगे क्वेश्चन में एक पार्ट आ गया। अब हमें एंगल टू ए निकालना है, यानी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस टू ए बी बी सी, ये भी जीरो आ चुका है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी जीरो आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कॉस ए प्लस आई साइन ए का होल स्क्वायर, सो ऑन जीरो कर दिया हमने। पावर टू है तो एंगल में लिख लिया, देखिए एकदम डिटेल में हमने लिखा है इसको, कॉस टू ए प्लस आई साइन टू ए सिमिलर एंड सिमिलर। अब रियल पार्ट एक साथ कर दिया और इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं यदि दोनों का रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, दिस बिकम्स जीरो एंड दिस ऑल्सो बिकम्स जीरो, हो गया ना। अब यदि एंगल ट्रिपल करना होता तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, ऑल्सो
हम इसमें निकालते ए क्यूब, तो ए क्यूब जब आ रहा है सिमेट्रिकली बी क्यूब सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। बच्चों जानते हो ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जानते हो ना। अब देखिए यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया, तो देखो यहाँ पर ये भी जीरो दिया हुआ है, ये भी जीरो आ चुका है, ये भी जीरो आ चुका था, सब तो जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब कॉस ए प्लस आई साइन ए टू द पावर थ्री, आपको याद आ रहा होगा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने क्लास में भी करवाया था, केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा देके ब्रेन स्टोर्मिंग क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। बेसिक सेम क्वेश्चन है और होपफुली जब इस तरह के क्वेश्चन को बार बार देखोगे तो जितना मेरे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन हैं उतना ही आप लोग के दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें भी इसीलिए अभी तक दिमाग में है क्योंकि हर साल दो तीन बार तो देखते ही हैं और 15 साल से देख रहे हैं। नाउ अब क्या है, कॉस थ्री ए प्लस आई साइन थ्री ए, रियल पार्ट रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे एंड सो ऑन हो जाएगा ना ये। तो इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी ये सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे जो हमने कर रखे हैं, ठीक है। नाउ यानी ये तो आ गया था, दोनों इक्वल टू जीरो आया था, ये आ ही गया था, ये कहाँ से आ जाएगा, जब हमारे पास कॉस टू अल्फ़ा है, ठीक है। तो कॉस टू अल्फ़ा जब पता है तो कॉस टू अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे, कॉस, देखो बच्चों कॉस टू अल्फ़ा कॉस टू बीटा और कॉस टू गामा का समेशन तो जीरो आ चुका है, तो कॉस टू अल्फ़ा मीन्स टू कॉस स्क्वायर थीटा यानी अल्फ़ा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था, ठीक है। उसको आप जाएं उसको रिवाइज करें, अपने आप ये सब क्वेश्चन ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा कि जब तक कि कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। बार बार दो जो क्वेश्चन चैलेंजिंग लगते हैं आप उसको बार बार देखें, क्योंकि वो इसीलिए चैलेंजिंग हैं कि सबके लिए वो नहीं बने हुए हैं, है ना। जो ज़्यादा टाइम देगा उन्हीं के लिए वो क्वेश्चन है और उन्हीं के लिए वो रिजल्ट भी लाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब जब कॉस आ गया तो साइन भी ला सकते हैं, इसका मतलब हमने ये भी कर लिया, ये तो पिछले बार ही दोनों कर लिया था। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। तो बेसिकली बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम कंसेप्ट वाइज याद रखते हैं, इसका कोई एक पार्ट आएगा एग्जाम में, लेकिन हर एक पार्ट का एक ही प्रोसीजर है, ठीक है, क्लियर बच्चों। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें यदि हमने देखा मॉड जेड इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, ये भी अपने आप में एक ब्रेन स्टोर्मिंग क्वेश्चन है। इसमें देखो जब भी किसी क्वेश्चन में ना मॉड जेड वन दिया हुआ है तो सिंपली लेट जेड इज इक्वल टू आप मान लें, क्योंकि मॉडुलस तो वन है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है मान ले नाउ, क्योंकि मॉडुलस वन है तो हम विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी ये मान सकते हैं। अब देखो बच्चों इसका ना हमें मॉड बताना है, मॉड नहीं बताना है, इसके मॉड का मैक्स बताना है यानी मैक्सिमम। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर थ्री माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस टू, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थ्री थीटा, रियल पार्ट एक साथ लिख देते हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस टू, ठीक है। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन ना अपने आप एक अच्छे रेंज के क्वेश्चन में आते हैं, सो हमें इसको अच्छे से हैंडल करना होता है,
ये है। अब देखिए इसका मॉडुलस बताना है, तो इसका मॉडुलस का मतलब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टू का यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कितने कैसे हम सोल्व करें जिससे आसानी से आंसर आ जाए, मेन ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, यही हमें निकालना है इसका मैक्सिमम। तो देखो इसको यदि हम सोचें, इस पूरे को, यदि इस पूरे को ए सोचा जाए, इसको क्या सोचा जाए, ए, तो ये ए प्लस बी है बेसिकली, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस थ्री थीटा यानी ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू इंटू टू कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थ्री थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखो हमें ये दोनों एक साथ पेयर मिल रहे हैं बच्चों, देखो ये वाला और ये वाला एक साथ मिल रहा है, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा, फिर दोनों का बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दोनों का टू इंटू का टर्म, तो माइनस टू कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन ए साइन बी, ठीक है, और अलग से जो हमारे पास है, पहले से फोर था, फिर फोर टाइम्स कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरे का ना हम क्या लगा देंगे, रूट, ये आया है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कॉस स्क्वायर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा, ये हो गया वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया वन। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चों, कॉस ए माइनस बी, तो वन प्लस वन यानी टू माइनस टू कॉस थ्री थीटा माइनस थीटा, थ्री थीटा माइनस थीटा क्या लिख दें, टू थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्लस फोर, प्लस फोर टाइम्स कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अभी भी इसमें क्वेश्चन में है। नाउ फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम लेना है ना, तो हमें इस पूरे के, देखिए बच्चों जानते हो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन हम पूरे रूट को नहीं ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए टू प्लस फोर तो सिक्स हो गया, ये तो कभी चेंज होगा नहीं इन दोनों में, है ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फोर कॉस थ्री थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा माइनस फोर कॉस थीटा जीरो कर देंगे, ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो जब जीरो करोगे, देखो यहाँ सोल्व करना है, देखो डायरेक्ट इसको मत सोचो कि हमने डायरेक्ट लिख दिया है, है ना, हमें यहाँ से सोल्व करके थीटा आ जाएगा टू पाई बाय थ्री। अब थीटा टू पाई बाय थ्री कब होता है बच्चों, जब जेड इज इक्वल टू ओमेगा होता है, दैट इज जेड इज इक्वल टू, जब ओमेगा रखोगे कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और रख दोगे ओमेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा बच्चों रूट थर्टीन। इसको हम हमारे हिसाब से ट्राई करो, डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा मेन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको करवाना, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए ये क्वेश्चन n दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a और b भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a प्लस आई बी का पावर थ्री कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस आई बी टू द पावर थ्री,
प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू आई बी प्लस थ्री ए आई बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 107 आई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब माइनस आई बी क्यूब। देखिए हम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में लिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कम लिख रहे हैं, आप इसको बॉदर ना करें। किसी क्वेश्चन को जितना जल्दी आप सोल्व करेंगे उतना तेज़ी से आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो बच्चों, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, आई टाइम्स थ्री ए स्क्वायर बी बी क्यू माइनस 107। नाउ एज एन इज पॉजिटिव, यानी प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल से ही काम चल जाएगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, ये हमारा हमारा नहीं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू माइनस 107। अब देखो बच्चों 107 कैसा नंबर है, ये है प्राइम नंबर है या नहीं प्राइम नंबर है, भाई मेरे हिसाब से तो देखो भाई ये प्राइम नंबर है ना, गूगल पर सर्च कर लेना या किसी से कट नहीं रहा है। तो एज 107 इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का दूसरा फैक्टर तो होता ही नहीं है, इसका मतलब बी तो 1 हो गया, सो बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्राइम नंबर को तो 107 इंटू 1 ही लिख सकते हो ना, दैट इज बी इंटीजर दिया हुआ है, सो बी इज 1। एंड इफ बी इज 1 देन ए आ जाएगा ना, देन 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 107। यहाँ से बी 1 रख दिए तो 3 ए स्क्वायर आ गया 108, दैट इज ए स्क्वायर आ गया 36। एज ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज ए इज इक्वल टू 6 आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया, ठीक है। नाउ सो अब एन रख लेते हैं, देखा परफेक्ट प्लेस था ना, इतने में ही आंसर आ जाएगा। एन इज इक्वल टू अब क्या हो गया बच्चों, ये तो हमने जीरो रख लिया है, यही बचा है ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर 36, ये 216 हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू सिक्स इंटू 1, यानी ये आ गया 198। क्लियर, अब हम तेज़ी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमने फंडामेंटल्स में कर रखा है कि कोई भी इक्वेशन हो यदि उसमें सारे कोफिशेंट्स रियल होते हैं तो रूट्स यदि नॉन रियल है तो वो कंजुगेट में होते हैं, है ना। तो लेट रूट्स हमने ले लिया, रूट्स आर, इसके कितने रूट्स होंगे, 4, जेड वन ले लिया, जेड टू ले लिया और नेचुरल सी बात है कंजुगेट में होंगे, तो जेड वन बार और जेड टू बार होंगे। क्यों होंगे कंजुगेट में, क्योंकि कोफिशेंट्स जो है ना ए बी सी डी वो रियल है दे रखे हैं ना। अब जानते हो क्वेश्चन में यदि जेड वन प्लस जेड वन बार होता तो ये तो रियल आ जाता, जबकि सम ऑफ टू है 3 + 4i, इसका मतलब जेड वन प्लस जेड वन बार नहीं ले सकते। नाउ लेट अपना मन से किसी कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, जेड वन प्लस जेड टू ये रख लेते हैं बच्चों 3 + 4i, कोई भी दो, और इसका मतलब रिमेनिंग टू यानी जेड वन बार इंटू जेड टू बार, ये हमने रख लिया 13 + i, ठीक, यानी जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू 13 - i ले लिया, ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए, ठीक है। कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन लेना ही होगा। अब बच्चों जानते हो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड बी, हमने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, चलो लिख देते हैं फाइंड बी। तो बी हमसे पूछा गया है, ए पूछा जाता तब तो बहुत आसान था, ए का मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम,
बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना, माइनस बी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, तो बी इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, बी बाई वन होगा बेसिकली, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, ठीक है। तो हमारे पास चार रूट्स हैं, कौन कौन से, हमारे पास रूट्स हैं जेड वन है, जेड टू है, जेड वन बार, जेड टू बार, तो टेकन टू एट ए टाइम क्या क्या आ जाएगा बच्चों, जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड टू बार प्लस जेड टू इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, कितने दो दो के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमें सारे लेने हैं, जेड वन बार इंटू जेड टू बार यही हमें लेना है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, जेड वन इंटू जेड टू आ चुका है प्लस जेड वन इंटू जेड टू का होल बार ये आ चुका है, ये हमने फर्स्ट और लास्ट ले लिया। अब देखो जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड वन बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार, ये हमने लिख लिया। इन चारों को यदि एक साथ मिलाते हो तो ये जेड वन प्लस यानी फैक्टराइज कर देंगे, तो जेड वन जेड टू ये तो आया हुआ है हमारे पास प्लस, ये आ गया जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का बार, ये आया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या ले रखा है कंडीशन, जेड वन प्लस जेड टू थ्री प्लस फोर आई है और जेड वन इंटू जेड टू थर्टीन माइनस आई है, तो जेड वन इंटू जेड टू यानी थर्टीन माइनस आई, इसका कंजुगेट थर्टीन प्लस आई, ये आ गया, इसीलिए डेटा ऐसा दिया हुआ था। अब जेड वन प्लस जेड टू क्या लिया है बच्चों, थ्री प्लस फोर आई, थ्री प्लस फोर आई इंटू थ्री माइनस फोर आई, उसका कंजुगेट, तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ से आ गया ट्वेंटी सिक्स प्लस यहाँ से आ गया ट्वेंटी फाइव, तो आ गया फिफ्टी वन, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, क्लियर है। तो ये हमारा सोल्यूशन ऑफ